हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहो तंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से, ठीक है। इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहो तंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इंपॉर्टेंट योगदान देता है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। फ्रेंड, here you have learned the lesson 6 about their secondary growth in a dicot roots and it is important. Let's study in the stem. There is already learned dicot roots, but here is the stem. It is occur only the dicot stem is a little away from the shooted apex and the help the plant too. The growth in the growth is the thickness and the make is a very strong to stand upright for many years. That is why you see that very tall tree can be withstand strongly winds and the losing rain without falling down. But is a monocot plant like a wheat, rice, maize and the grasses bend easily due to the absence of secondary growth in their stem. So the growth is a thickness is a dicot stem because possible due to the formation of new tissue in the entire body activity of two lateral meristem. Friend, the growth the thickness in the dicot stem because possible due to the formation of new tissue. The formation of new tissue by the activity of two lateral meristem. The first is the vascular cambiums and coral cambium. There is a second is the coral volumes. This tissue is thus formed or known as the secondary tissue. And growth in the bud there is a referred to the secondary growth. The first is activity vascular calculum. From a secondary vascular tissue is a flow. The point is the first the trips of the cambium present in the vascular bundle is called fascicular is cambiums. And second is these cells of the medullars rays of adjoining their strips of vasculars. There's cambiums because the meristematics and form to intrafascicular cambiums. And so in this picture, their butt is a fascicular are intervascular columbium joined to the
from or continuously to the complex ring that is shown in this picture. Friend, here shown in this picture, a TS is a diagram of stems of various stages of secondary growth, means diagrammatics. There are, first is important, there is the epidermis, cortex, primary phloem, vascular cambium, and primary xylem. And there has a B is the interferous cambium, and same to the A part. But C or D is the same. The secondary phloem, cambium, rings, and the medial rays, secondary xylem, phloem, and phloem. So it's important to about their internal side. There is a cambium divided and the arid a cell on internal side. Toward to the pith, there which is a mature into the secondary xylem. And the cell added to about to the external side. Very further, mature into the secondary phloem, shown in the figure. The amount of secondary xylem produced here comparatively is there more than a secondary phloem. The second is activity of cord cambiums from the peridermis of flow. The cortex cambiums of phloogens are developed in the cortex. The next point is a phloogens is divided and the arid cell on the both the inner and outer side. The next point is the inner cell differentiated into the phloderms and secondary cortex while their outer cells into the phloems are cork. And the cork cells are compactly arranged and become a dead end subvasate to deposition of the subarrays. Expect the regional of entire cells and the various cells are loosely arranged complementary cells and the non subarrays. It is the thought there are centralized. The evidence to branch and the tree trunks can be undergoes a gaseous change. And there is a phloderms and the phloems is a together constant there are peridermis and due to external increase in the thickness, peridermis replace the epidermis and because the protective inner functions. And all the dead cells linings outside their active phloogens constantly to the work. Friend, here is a long diagram. So I show the half and this scene. There are entire cells are dark. Epidermis, cord, dermis, peridermis, and secondary cortex, cologlioma and cortex, scleroderma, secondary phloems, cambium, autonomous bone, secondaries, there are medullars. And the half show there's that there's a medullar rays, annular rings, secondary bones, primary bones, and the annulus bones, secondary medullar rays. Spring boards and primary boards and the pith. There is the TS of all stem or fibrous enlarged. There is in the betula bhojpatra as a box of pills of like a sheet of paper. A same manuscript are still pervasive on them. So is a cork tissue because very thin is a cork trees, a coral suburb, and they're used to commercially and the bottleless stoppers to the insulator and shoes soles. कहते हैं दोस्तों कि जो तने में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है. कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कहते हैं आपने इसके बारे में जो है छठे चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम रूट के बारे में पढ़े थे. तो वहाँ पर जो है जड़ों के बारे में द्वितीयक वृद्धि के महत्व को हमने समझा था और जानने की कोशिश भी किया था. अब आप इसी क्रियाओं के जो है स्तंभ के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भाई वो कार्य जो जड़ों का हुआ करता था अब स्टेम में जो है उसका क्या कार्य है और उस वो अपना क्या रोल निभाता है. तो कहते हैं दोस्तों सबका अपना अपना एक कार्य है, ठीक है. जिस प्रकार से आपका कार्य है कि त्रिपान स्टडी सेंटर को बढ़ाने के लिए आप जो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसी प्रकार मेरा कार्य जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा चैप्टर लाना और आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करना, ठीक है. तो सबका अपना अपना कार्य जो है बटा हुआ है, सबको अपने कार्य के लिए अग्रसर रहना चाहिए. तो कहते हैं पौधों में भी ऐसा ही होता है, इंसानों में भी ऐसा ही होता है. तो हर जगह जो होता है सभी का कार्य बटे होते हैं क्योंकि सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर एक कार्य अपना बंद कर देगा तो दूसरा कार्य ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा. इसलिए सब जो है इंटरडिपेंडेंट है सब एक दूसरे के ऊपर. तो यही बात यहाँ पर भी आती है, जैसे जड़ होता है तो तने भी उस पर डिपेंडेबल होती है. अगर जड़ नहीं तो तना कहाँ से आ जाएगा फिर. तो ये सब बातों को यहाँ पर जो दर्शाया गया है. कहते हैं द्वितीय वृद्धि केवल द्विबीजपत्री तनों में प्रवेश शीर्ष के कुछ जो है दूरी पर संपन्न होती है. ये पौधों को जो है घेरे यानी मोटाई की वृद्धि तथा उसे अनेक वर्षों तक दृढ़ सीधा रखने में सहायक सिद्ध होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे जो तेज हवाएं के झोंके आते हैं या मूसलाधार बरसात होती है आदि को बगैर गिरे सहन कर पाते हैं. तो पौधे इन्हीं कारणों से जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होती है. परंतु एक बीजपत्री पौधे जैसे कि जैसे आप गेहूँ, चावल, मक्का, घास आदि देखोगे
तो इसको थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ये जो होती है झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ये सब क्या कारण, आखिर क्यों जो है छोटे पौधे झुक जाते हैं, बड़े पौधे को जो है कोई इफेक्ट इतना जल्दी नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें को जानना एक रोचक बात यहाँ पर रहेगी। कहते हैं द्विबीजपत्री तने की जो मोटाई में वृद्धि दो पार्श्वयन भी हो, तो यानी लेटरल मेरिस्टेम और जो है संवहन अद्र एवं कर्क अद्र द्वारा निर्मित नए उत्कों में होती है। ठीक है, इन नए उत्कों की द्वितीयक उत्तक यानी सेकेंडरी टिश्यू तथा घेरे में होने वाले द्वितीयक को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, यानी सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें जो है आपका पहला पॉइंट यही आता है कि संवहन अद्र की सक्रियता। देखिए, संवहन अद्र की सक्रियता अपनी जगह पर एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। कहते हैं ये द्वितीयक संवहन उत्तक निम्न प्रक्रिया से बनती है। सबसे पहले तो यही आता है कि संवहन मंडल में पाई जाने वाली एद्रा की जो है पूर्व एदा यानी फेस्कुलर कैम्बलियम्स कहते हैं, और बंडल की एदा से सटी जो है मज्जा रसिम की कोशिकाएं जो है विभवती यानी मेरिस्ट स्टोमैटिक्स तथा आंत्रपोली एदा एंटरनल जो है फेस्कुलर कैम्बलस बनाती है, जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे अभी। और कहते हैं बंडल की जो है अंतर्वडल्स की एद्र जुड़कर एक अवंचनीय एद्र बल्ब बनाते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर जो है चित्र जो है द्विबीजपत्री स्तंभ के जो है अनुप्रस्थ काट सेक्शन दर्शाया गया है, जिसमें आपको पहले सेक्शन ए बी में देखोगे कि जो है सेम ही पाया जाता है, यानी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राथमिक फ्लोएम, पोलिस एद्र एंड प्राथमिक जाइलम पित्त और आंतरिक पोली एथ। तो ये जो पहला दूसरा चित्र के लिए सेम है, बट यहाँ पर सी डी के लिए देखोगे तो वो भी दोनों सेम है। कहते हैं द्वितीयक फ्लोएम पाया जाता है, कैम्बलियम्स घेरा बल्ले होती है, मेडुलरी पिरने जो होती है, द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम या कर्क जो है फैलोजन भी पाया जाता है, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट बनाता है। कहते हैं एदा के विभाजन के अंदर की ओर से नई कोशिकाएँ बनती है द्वितीयक जाइलम तथा बाहर जो अर्थात परिधि की ओर बनी कोशिकाएँ द्वितीयक फ्लोएम में विभेदित हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे समझेंगे। उसके पश्चात है उपादित्र यानी द्वितीयक जाइलम की जो है मात्रा द्वितीयक फ्लोएम से अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड पार्ट जो है कर्क यानी काग एधा की सक्रियता। निम्न प्रक्रिया में जो है पेरिडर्म्स बनता है, पेरिडर्म्स जो है बनना इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पहले तो यही पॉइंट में आता है कि एक ग्रह यानी पोलोजेंस कागजन विकुल्ट में बनती है। कागजन दोनों ओर जो है अंदर बाहरी कोशिकाएं बनाती है। अंदर की ओर बनी कोशिका को हम द्वितीयक बेलकुट यानी पोलो डम्स कार्ड स्तर तथा बाहर की बनी कोशिकाओं को हम काग यानी कर्क फ्लोएम कग में विभेदित कर लेते हैं। कर्क की जो है कोशिका केवल वातरंध यानी लेंटर सेल वाले क्षेत्रों में छोड़कर सदन यानी कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित मित्र और सुवेनी डिक्षेपित हो जाती है। वातरंध में कोशिका छित्री सी प्रतीत होती है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट मानता है। कहते हैं सुब्रो हिरहीन होती है तथा पूरक कोशिका यानी कम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाती है। कहते हैं वातरंधों में मोटी शाखाएं एवं जड़ के तने गैस विनियम करती है, यानी जो शाखाएं होती है वो गैस का आदान प्रदान करता है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। कहते हैं उसका कग जो होता है फ्लोएम यानी कगजन जो है फ्लोजन जो है कल सतह यानी फ्लोडम्स संयुक्त रूप से जो है परिचम्स पेरिडर्म्स बनाते हैं। भीतर के व्यास में जो है वृद्धि और बाहरी त्वचा के समेत बाहरी परतों पर जो है दबाव पड़ता है और वह फट कर नष्ट हो जाते हैं। अंततः परिचमय बाहरी त्वचा का स्थान ले लेती है तथा सुरक्षा का कार्य भी करती है। उसके पश्चात सक्रिय कागजन के बाहर स्थित सभी मित्र कोशिकाएं सामूहिक रूप से छाल बनाती है। देखिए दोस्तों, सभी कोशिकाएं जो होती है पेड़ पौधों में छाल होती है। यहाँ पर जो है हमारा एक डिजिटल जो है एक चित्र दिखाया गया है, जिसको एक साथ दिखाना संभव नहीं है, इसलिए जो है इसको हम दो पार्टों में आपको समझाएंगे। पहला जो है पार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो है वातरंध से स्टार्ट होता है, जिसको हम छाल कहते हैं, और उसके पश्चात आता है सबसे पहला लेयर जो होती है यानी बाहरी त्वचा होती है, उसमें काग आता है, काग एद्र यानी पेरिडर्म्स में आता है, द्वितीयक वेलकुट आता है, क्लोरोकाइमा आता है, वेलकुट आता है, क्लोरोकाइमा आता है, द्वितीयक फ्लोएम आता है, एदा द्वारा कस्ट, ठीक है, उसका द्वितीय जो है मैंडुलरी किरणें आती है, जिसको द्वितीय वल्ले में रखा गया है। तो ये जो चित्र है ये काफ़ी जो है अनुप्रस्थ काट है, यानी इस बहुत ही अवर्धित यानी लार्जेस्ट साइज को दिखाया गया है, यानी इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म बना के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जब करोगे इसके जो कहते हैं मोटे स्तंभ को यानी स्टेम को जब आप
एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके पश्चात जो है बसंत कष्ट मिलेगा, शरद कष्ट मिलेंगे, बुडेंस नृत्य मेलुलर किरणें, वसंत कष्ट, प्राथमिक कष्ट, मज्जा, ये सारी चीज़ें जो होती है थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। कि दोस्तों देखिए हिंदी का वर्ड जो है हिंदी जैसा ही होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर कष्ट आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब होता है बुड, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। कोई डाउट होता है तभी कहता हूँ ना, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट कीजिएगा, तभी बता पाऊँगा ना कि आपको क्या मिस्टेक आ रही है, आपको क्या समझ नहीं आ रही है। जो समझ नहीं आएगा वो उसको मैं जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तभी कहते हैं अगर आप टॉपिक देखते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। लाइक चाहे कीजिए चाहे ना कीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। तो मुझे आप गलतियाँ बताओगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना जब मैंने इस पर आपको समझाने की जो वीरा उठाई है तो मैं अपना अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूँगा, और ये तभी हो सकता है जब मुझे मेरी गलतियों को आप बताओगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और की क्या बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे किसी तरह से कॉमेंट नहीं मिलते हैं, कारण पता नहीं क्या है, क्या पता अच्छा हो या क्या पता आप लोग को समझ ना आता हो, आप लोग लीव कर जाते होगे। तो यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो किस बेस पे लगता है, अगर कोई गलतियाँ हैं तो मुझे बताइए और मैं जो होगा अच्छा सा अच्छा बनाऊँगा। देखिए दोस्तों मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, ठीक है, कि जो गलतियाँ बताने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी गलतियों से मैं एक नया चीज़ सीख सकता हूँ और नया चीज़ जान सकता हूँ। कहते हैं सीखने का कोई उम्र नहीं होती है और नया चीज़ करने का कोई समय नहीं होता है। तो इसलिए कहता हूँ अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे जो अगर आपको कोई गलतियाँ दिखी है, कुछ बातें समझ नहीं आई है, तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिए, कमेंट कीजिए कि भाई मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं कोई इसमें कुछ मेरा इसमें फ़ायदा वायदा नहीं है, मैं अपनी गलती सिर्फ जानना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए ये बात तो था आपके लिए। अब जो है हम इसमें भोजपत्र यानी बैटूला जो है भोजपत्रा उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं भोजपत्रा जो है भोजपत्र जो होती है छाल कागज़ की तरह तने पर छिले उतर जाती है, उन पर लिखी प्राचीन लिपियां भी अभी तक सुरक्षित है, तो कह सकते हो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कर्क विषयन कोटल सब्बर जो है कर्क इतना मोटा हो जाता है कि उसे जो है बोतल की कार यानी जूते का तला, विद्युत रोधी सामान आदि व्यवहारिक तौर पर बनाए जाते हैं। अब देखिए इसका कितना इम्पोर्टेंट जो है हमारे समक्ष आ जाता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वुड। फ्रेंड देयर इज अ वुड इज अ टॉपिक ऑफ स्टैम, देयर इज अ फर्स्ट टॉपिक एंड देयर इज अ वुड इज अ नाइन्थ टॉपिक। Wood is the secondary xylem produced by the activity of vascular cabulum in the dicot stem. The annual rings, they are square around their edge of trees. In an interperiod region, their climatic conditions show to pronounce it to the seasonal variation. The activity of vascular cabulum also because of periodically as a result. Distracted of growth layers and formed in a xylem. In a spring season, Columbium is a very active and produce a great number of vesicles with the wilder cavity. The wooden is formed during the spring is called arillary wood. The spring woods in a summer is Columbium is a less active from their narrow vessel. This is a wooden is called later woods or summer wood. These two kinds of wood is the transfer view to the pair to alternate concentric rings together forming a annual ring. Friend, here are two types of the summer woods and spring wood. And there is a combined to the each other, there is an annual ring. The formation of annual ring show in this picture. By controlling the number of this annual growth ring, we can now the edge of trees. The science dealing with the predicting their edge of a tree by counting the annual growth ring is called dendrochronology. Friend, the counting of the annual growth ring in the wooden, that is called to the dendrochronology. There is a snap woods and the heart wood. There is outer part of woods which is the functionally and constituted of recently formed secondary xylem having some living cells is called shaft wood. As the plant as in their central part of stem, the inner cells of shaft wood and that become a non-functional and a dark in color continuity heart woodens. Showing this a picture. Friend, here the TS all stem showing the heart wooden and shaft wooden. There is a present of phloem, snap woods and the heart woodens and the animal rings. The animal rings is the most important for the edge of the tree. There is a xylem race and the
work and present here. There is a ultimate diagram of TS old stem showing this figure. Here table, there is a difference between the shea buds and the hardwooden. Friend is important for the exam view. There is shea wooden and the second is a hardwooden. There it is the outer lights colored woodens of the old stem. And the hardwooden is second, it is the center dark colored wooden of old stem. The second is a light colored. There is the heart is the second is a dark colored due to the presence of grains to the veins, oils and tannins etc. And second, first is a containing living cells. And second is the living cells are absent. And fourth point is the first is the vessel not is flooded and the help of what movement of water and mineral. And second is the heart wooden is vascular plugged with their tessellos. And a fifth is the wooden is lighter in the weight. But second is a heavier in the weight. And the less trembling because of the susceptibility to the attack of the pathogen. And second heart wooden is the more durable resistance to the attack of the pathogen. They are at least a commercially less variable. But second is a commercially more variable. Friend, mechanism tissue in the stem. The stem of a tall tree is need to aid and resistantly against the pullings of force of wind and to stand to the erect against the gravity. Stem get their strength from their scleroderma as a hypodermis, and it is a pectin in their pericycles and the secondary phloem abundant is a light fitted to vascular. Attached there is a fibers in the secondary xylem and wooden as a square in the pith. यहाँ पर दोस्तों हमारे समक्ष जो बताया गया है बुडन के बारे में, यानी इसको हम कस्ट कहते हैं, बुडन का मतलब यही होता है जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो हम काटते हैं तो उसमें से बुडन्स निकलती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है क्योंकि इससे जो है कई चीज़ों का हमें जो है हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कहते हैं वृक्ष जो होते हैं कई वर्षीय होते हैं और वार्षिक बल्ले जो है वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। देखिए कई बार तो हम उसके पेड़ के जो है बुडन के जो हम कहते हैं बल्ले को देख के, यानी उसके जो स्ट्रिक्स को देख के हम कह सकते हैं कितने सालों का है। कहते हैं जो हमारा कष्ट है द्वितीयक दारू का होता है और ये द्विबीजपत्री तने में से है, संवहन अदा की सक्रियता से बनता है। ठीक है, कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में जो जलवायु दशा मौसमी बदलाव दर्शाता है, संवहनी एथा सक्रियता भी आवर्तित होती जाती है। तब पश्चात जाइलम में स्पष्ट वृद्धि वल्ले बनाती है। वसंत में ऐधा अधिक क्रियाशील होती है तथा अनेक अधिक व्यास वाली जो है वाहिकाएं विभेदित करती है। बसंत में बसने वाले कष्ट के जो है पूर्व कष्ट यानी एर्लियर बुडेन या बसंत कष्ट यानी स्प्रिंग बुड भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहती है। ग्रीष्म में ऐध सक्रिय होता है और संक्रिय वाहिकाएं बनाती है। इस कष्ट को हम पश्च कष्ट यानी लेटर बुड्स कहते हैं या हम समर वुडन्स भी कहते हैं यानी ग्रीष्म कष्ट भी कहते हैं। तरह की अनुपस्थित काट में ये दोनों प्रकार के कष्ट कांतरण क्रम में सकेंद्रिक वल्ले के रूप में दिखता है और एकत्र होकर एक वार्षिक वल्ले कहलाती है, यानी सारे जो होता है ग्रीष्म और जो बरसात मिलके, ठीक है, एक वल्ले बनाता है जिसको हम वार्षिक वल्ले कहते हैं और इसी से जो है पौधे का जो है उम्र का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। ठीक है, इस वल्ले की जो है कहते हैं संख्याओं गिनकर वृक्ष की आयु का हम पता लगा सकते हैं। वार्षिक वल्ले की गणना करके पेड़ की जो आयु जानने के विज्ञान को हम वृक्ष कला अनुक्रमण कहते हैं यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ये जो होता है वृक्ष कला अनुक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है फिर भी आप ये ज्ञात कर सकते हो कि ये वृक्ष जो है कितने साल पुराना है। तो देखिए ये भी एक साइंटिफिक रीजन्स है और साइंटिफिक जो रिसर्च करने का एक माध्यम बन सकता है। कहते दुम्रकला विज्ञान भी कहला इसको कह सकते हैं, जैसे आप वृक्ष कला अनुक्रमण कहते हो उसको हम दुम्रकला क्रम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो याद रखना इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं, वृक्ष कला अनुक्रमण भी कहते हैं या दुम्रकला क्रम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो हम वृक्षों की जो है आयु ज्ञात करते हैं उसको कहा जाता है। उसके बाद हमारे समक्ष है रस कास्ट यानी शैप बुड। शैप बुड क्या होता है? यानी हार्ट बुडन भी इसको हम कह सकते हैं, अंत कष्ट भी कहते हैं। बाहर की ओर से उपस्थित सक्रिय जो है नवीन बने हुए कष्ट जिसमें कुछ जीवित कोशिकाएं भी होती है रस कष्ट कहलाता है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है तने के केंद्रीय भाग में जो है रस कष्ट की जो भीतरी कोशिकाएं निष्क्रिय होती चली जाती है और गहरे रंग की हो जाती है। यही जो है यही अंत कष्ट यानी जो है हार्ट बुडन कहलाती है। ठीक है, यानी जो निष्क्रिय होते चली जाती है
और जो गहरे रंग की होती है उसे की हम जो कहते हैं अंतरकास्ट। आपने देखा होगा कोई वुडेंस होती है चारों तरफ से जो होता है वाइट वाइट होता है, बीच में जो होता है गहरा रंग होता है, ठीक है। हम जिसको हम सिंपली लैंग्वेज जो है ऐसा मटेरियल होता है जिसको कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं खा सकते ईजिली, तो वो वुडन को हम बहुत महत्व भी देते हैं, ठीक है। गाँव में जाओगे तो आपको ना उस वुडन का जो है बहुत ही महंगा मिलता है, क्योंकि जो वाइट वाइट पार्ट होता है उसका तो कोई पूछता भी नहीं, लेकिन जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम जो है मजबूत कहते हैं, वही काफ़ी कठोर होती है, ठीक है। तो उसको जो है उसी को हम जो है हार्ड कास्ट कहते हैं, यानी वो एक हार्ड वुडन कहलाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वुडन जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ पर एक डायग्राम शो होगा आपके समक्ष जिसमें जो है ये सारी बातें बताई गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि अंतकास्ट जो कुछ ही सेक्शन यानी हार्ड वुडन जो है कुछ ही सेक्शन को बताया, जैसे मैं बताने का भी कोशिश कर रहा था ना कि कॉर्नर कॉर्नर जैसे फ्लोएम होगा या रस कास्ट होगा वो सारे के सारे जो होते हैं अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच का अंतर कास्ट होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो बाहरी साइड जो बनते हैं उसे हम वार्षिक वल यानी जो हम आयु गणना करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वुडन आपको दिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप इसको हार्ट वुडन के भी पता लगा सकते हो और इसको उम्र के बारे में भी पता लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। देखो दोस्तों ये सिर्फ चैप्टर आपके लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम के लिए है, जो बच्चे देना चाहते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए हर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने जिसमें तैयारी किया है, सबका पहले कॉमन को जो टेस्ट होता है, चाहे UPSC एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे का, जहाँ मर्जी हो इन्हीं में से क्वेश्चन बनाया जाता है, और आप सोचते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन मेरा विचार है जो बच्चे चैप्टर समझ लेते हैं ना उनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है, क्योंकि छोटे क्लासों के ही जो है बड़े बड़े जो है इंटरेस्ट टेस्ट एग्ज़ामों में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। उसमें के पश्चात जो है हमारा रस कास्ट और जो है अंतकास्ट। रस कास्ट तो आपको पता लग ही चुका होगा, जैसे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, ठीक है। उसमें जो वाइट वाइट पार्ट होगा वो रस कास्ट कहलाता है, जो अंतर जो है उसको हार्ड वुडन कहते हैं। तो पहला जो होगा आपको दोस्तों ये रस कास्ट कहलाएगा, दूसरा जो होगा आपका अंतकास्ट कहलाएगा यानी हार्ड वुडन कहलाएगा। सो कहते हैं यह पुराने स्तंभ का बाहरी हल्के रंग का कास्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन दूसरा है यह पुराने स्तंभ का केंद्रीय गहरे रंग का कास्ट होता है। पहला कहता है कि हल्के रंग का होता है, दूसरा जो होता है बहुत गहरे रंग का होता है क्योंकि इसमें गोंद रेजिन और भरा हुआ होता है। कहते हैं तीसरा इसमें जीवित कोशिकाएं होती है लेकिन इसमें जो होता है तेल टैटिन्स आदि उपस्थित होते हैं, यानी हृदय दूसरा वाले में। पहले वाले में जो होता है वाहिकाएँ बंद नहीं होती और जल तथा संवहन पदार्थों के ऊपर की ओर बढ़ाने में सहायता करता है, लेकिन जब जैसे कि दूसरी तरफ देखा जाए तो वाहिकाएँ जो है टाइलोसोस द्वारा बंद होती है और जीवित कोशिकाएँ अनुपस्थित होती है, यानी जीवित कोशिकाएँ इसमें नहीं होती है। पांचवा बताता है कि कास्ट वजन में हल्का होता है, जबकि जो ये कास्ट है यानी हार्ड वुडन है वो बहुत काफ़ी भारी होता है। मैंने पहले ही कहा है ये बहुत कठोर होता है, इसलिए ये बहुत काफ़ी भारी होता है। कम टिकाऊ क्योंकि इनमें जो है रोगजनकों की आक्रमण हो जाता है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये होते हैं जो वाइट वाला पार्ट होता है वो उसमें कभी भी कीड़े लग जाते हैं और बहुत जल्दी नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो हार्ड वुडन होती है वो अधिक समय तक टिकाऊ होता है और ये रोगजनक होते हैं उन पर आक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूँ गाँव में जो है बहुत महंगे रेटों पर बिकते हैं, चाहे शहरों में भी बिकते हैं, इसके बनाए हुए फर्नीचर या कुछ भी जो है सालों साल क्या हज़ारों साल तक टिका हुआ रहता है, इसमें कोई तरह के जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जो दीमक है वो भी उसको नहीं खा सकता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग होती है। लक्कड़ को आपको पता है दीमक के सबसे फेवरेट रहा है, लेकिन इसमें जो है हार्ड वुडन में आज तक कभी दीमक लग नहीं सका और ना उसको दीमक जो है प्रभावित कर सका, इसलिए जो है ये काफ़ी मजबूत और प्रतिरोधी होते हैं किसी भी जीव के लिए, ठीक है। उसके पश्चात जो है ये सेवंथ पॉइंट है, पहले के लिए आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होता है ये, जबकि ये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी भी होता है। आपको पता है जब इतना रोधी क्षमता हो तो इसको जो है आर्थिक रूप से काफ़ी महंगे भी मिलते होंगे, ठीक है। स्तंभ में जो है भौतिक उत्तक ऊंचे वृक्ष के तनों को तेज हवा के झोंकों से बलपूर्वक खिंचाव से बचाना तथा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सीधे खड़े होना पड़ता है, तो ये स्तंभ का काम है भौतिक, ठीक है। तना को उनके लिए दृढ़ता मिलती है, दृढ़ता से जो अधस्त्वचा में एक परिधत सादृत्तिक प्लोयम में खंडों के रूप में उपस्थित होता है। कहते हैं धृतक दारू अथवा कष्ट में प्रचुल अग्नियुक्त वाहिकाएँ टैकियों और रेशे तथा मज्जा में धृतों के अवयव की उपस्थिति के कारण सब होता है। दोस्तों ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके स्टेम के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आगे कि हम जो है
जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसके बारे में क्या है, अगर पत्तियां का क्या कार्य होता है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। द नेक्स्ट इज अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ लीफ। लीफ इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। सो लीफ इज द फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड लेटरल अपेंडेज ऑफ स्टेम और ब्रांचेस डिवेलपिंग फ्रॉम इट्स अ नोड। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम टू लीफ इज अ प्रीडो नस इज अ फॉर्मेड बाय द शॉर्ट मेरिस्टेम and the where is the bud is it is axil is called axillary bulb. It is the sheet of the very important is a psychologically process like a photosynthesis and transpiration of respiratory is a besides there is a protecting axillary bulb. The leaves can get modified into the structure for storing food and water, clambings and vegetative progression. So important of a leaf for a plant. There a first point is the structure of leaf. The typical leaf has a three parts is a mainly. The first is a leaf base. The what do we mean to the leaf base? The lowermost part of the leaves by which it is attached to the stem node and it may be expanded as I said it in a monocots. And where to lateral outer growth is a stipules as a rheocot in a dicot. And there a second point is a petaloids. It is the stalk of leaf and the leaf can be petaloids with the petals as it is a maybe a dicot or a stalis is a without petaloid as a most monocots. Petaloids as a maybe get a modified and as well as a water hyacinth in their development wings. Example orange for a become a flat like a leaf is Australian acacia. And third is a lomena as a leaf bladder. It is a green things of flattened and expanded part of leaf with the vena and there are velinators transverving through their surface. The most prominent venous is running from the base to the apex and present in the middle of leaf, but it is called midribs. The venous is provided to support and conduct water minerals and prepare to the food. Leaf shows a lot of variation in their first is a shape or lamina. Let us show in the example and their picture. And the leaves is apex is a show in the figure and the leaf merism there is showing this picture. Friend, here showing this picture leaf and it is a part. There first of all understanding a leaf of part. Here the leaf apex, leaf merism and midribs and the lamina also present. There are petaloids and the leaf base, Alexandrian buds and stipule. There is second is a variation of leaf shape. Friend, here is the different types of leaf in the shape and here also show in this variation the leaf apex and the variation of leaf merism. There is a variation of leaf apex and here is the leaf merism. There are different shape and different size on their leaf. The next part is the ventation in the leaf. Friend, the arrangement of the venous and the venulates in the lamina is known as the ventation. It is a two types. Is a reticulate ventations, the venous forming a network of dicots and the showing the example and the picture. The parallel ventations a venous arranging in the parallel rows, example monocot. There's a showing this figure and reticulate of the parallel ventation may be a unicostate with the one mids of ribs giving out of secondary venous like in the feathers and as a pinnate or multicostate having many strong veins are spreadly out from a common point like a finger from a plane and the plamentary is seen in this figure. Here show in this picture regulated ventation and parallel ventation. There is a simple shape and there is a plant is a pinnates. Pinnate is a strong venous from the pericles and the reticulate network and the parallel ventration is the very simply and the is present of your garden and your field. दोस्तों यहाँ पर जो है पत्ती हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम भी उसे इंपॉर्टेंट है. कहते हैं प्लांट के लिए पत्ती तो होता है इसके जीवनदायक होता है क्योंकि उसी से जो है वो अपना भोजन बना पाती है और यहाँ पर जो है पत्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है. तो पत्तियों के बारे में जानना आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और कई एग्ज़ाम को अगर टारगेट करते हो, अगर एग्ज़ाम को आप
क्रैक करना चाहते हो तो इसके बारे में जानना अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पत्ती और फ्लावर के बारे में ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिया जाता है, क्योंकि ये टेंथ बेस पे भी होती है और प्लस टू बेस पे भी होती है। और कहते हैं कि अगर आप इन सब बातों को समझ लेते हो तो कई एग्ज़ाम जो है आपके अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। तो इसको दोस्तों सिर्फ ये मत सोचिए कि किस क्लास का है, सिर्फ ये सोचिए कि आपको इससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है और क्या समझ में आया है। कहते हैं आज का समय बहुत ही बदल चुका है, यहाँ पर बच्चों को ज्ञान कम चाहिए और इनको जो है सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना है। कहते हैं आज बच्चे जो होते हैं एमए बीए भी कर लेते, बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो होता है कुछ भी नहीं रह जाता, तभी तो भारत महान है, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षा की भरमार है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर गरीबी, भुखमरी और कहते हैं बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। कारण क्या होता है, बेशक लिए पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े क्लास पास कर जाते हैं, लेकिन उनके पास जो होती है अपनी कैपेबिलिटी नहीं पैदा हो पाती कि वो क्या करें और कैसे करें। फिर हम सरकार पे दोष लगाने लग जाते हैं कि सरकार हमें जॉब नहीं देती। अरे जॉब तो आपको खुद पैदा करने की आवश्यकता है, सरकार क्या करेगी, सरकार थोड़ी जॉब पैदा करती है। अगर मान लीजिए आप समझदार हो, काफ़ी एक्टिव हो चुके हो, आपको एक नया आइडिया है, तो आप कोई बिजनेस छोटा मोटा लगाते हो, धीरे धीरे बिजनेस जो है तरक्की करता है और आप अपने साथ 10 बंदों को और लगा लेते हो, तो आपने बिजनेस पैदा किया ना, सरकार ने थोड़ी किया है। सरकार क्या है, वो तो आती है चली जाती है, वो उस पर कॉमेंट कर रही होती है, वो उसको कॉमेंट कर रही होती है, कोई उसको जेल भेज रहा होता है, कभी उसको जेल भेज रहा होता है, यही तो सरकार होती है। सरकार का कोई अर्थ नहीं होता है, करना है तो आप लोगों स्वयं ही देश को तरक्की में जो है भागीदारी निभाना है। वो तो आते रहते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि हम देश को जो है विकसित कर देंगे, सभी नेता यही बोल के आते हैं और यही चले जाते भी हैं। इनका कितना साल तक होता है, 5 साल तक आते हैं, 5 साल तक अपनी जो है झूठे बड़ी सपना दिखा देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है अपनी मेहनत से जो है देश को तरक्की करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान दे दे के जो है हम अपना जीवन के साथ साथ देश के जो है अग्रसर बना सकते हैं। तो यही बात इम्पोर्टेंट होता है आपके एजुकेशन पे, कि एजुकेशन का मतलब दोस्तों है कि आप जो है छोटी से छोटी बातों को अच्छे से समझिए, ठीक है, और देखिए कि उसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है और क्या हमारे लिए समझ है। तो पत्ती भी एक महत्वपूर्ण होता है, आप देखिए पत्ता जो है किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रखता है, वो अपना भोजन स्वयं ही बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे पर निर्भर रहना क्या होता है। सूरज की रोशनी पड़ती है जो कि फ्री में मिलती है, और वो जो है उसका लेता है और अपने लिए भोजन तैयार करता है। तो आपको भी अपने लिए भोजन तैयार करने की साधनों को जुटाना पड़ेगा, दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अच्छे से एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप इसके लिए जो हो पूरी तरह से सक्षम हो जाओगी, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे जो है लीफ में यानी पत्तियों में क्या बातें छुपी हुई है और कौन सी राज जो है हमारे समक्ष आने वाला है। कहते हैं पत्तियाँ जो है पत्ती चपटी एवं फैली हुई संरचनाएँ हैं जो तने तने शाखाओं का पार्श्व उपांग है तथा उनकी जो है पर्व संधि से निकलती है। यह प्रौढ़ विजोत यानी शॉर्ट मेरिस्टेम से निकल पर्ण अध्यक्ष यानी लीफ प्रोडोमिलम्स से विकसित होती है। इससे वक्ष में कलिकाएं होती है जिसे हम कक्ष कलिकाएं यानी एक्सिलेंडी बर्ड कहते हैं। देखिए दोस्तों कलिकाएं जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर चाहे तो हम इससे भी कलम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कलिकाएं यानी बर्ड जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पत्ती वह प्रमुख स्थान है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, वाष्पजन तथा श्वसन की क्रियाएँ संपन्न होती है। कक्ष कलिकाओं की सुरक्षा के अलावा पत्ती जो होती है खाद एवं जल संग्रह, आरोहण, कार्य के प्रबंधन यानी प्रोग्रेशंस आदि के लिए रूपांतरित हो जाती है। यानी कार्य के प्रबंधन का मतलब समझ गए होगे दोस्तों, प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है कि इसको कलम लगाने के लिए जो होता है ये काफ़ी सक्षम होता है। उसके पश्चात देखिए उसके बाद है पत्तियों की संरचना। तो पत्ती की संरचना जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण रखती है, ठीक है। पत्ती की संरचना में जो सबसे पहले आता है वो आता है लीफ बेस यानी पर्णधार। लीफ बेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों के लिए। यह पत्ती का सबसे निचला भाग है जिसमें वह जो है पर्व संधि से जुड़ी रहती है। एक बीजपत्री में यह अछद्र की तरह फैला होता है तथा द्विबीजपत्री पौधों में जो है पनाधार पर अनुप्रयुक्त स्टेपल्स नामक पुष्प अति वृद्धियाँ पाई जाती है। उसके पश्चात दूसरा जो है पनवृत्त यानी पेटोलॉइस, यह पत्ती का वृत्त स्टॉल्क है। पत्ती जो है वृत्त युक्त यानी पेटोलॉट जैसे कई द्विबीजपत्री या वृत्तहीन सेलेसिस जैसे अधिकतर एक जीवपत्री पौधों में पाई जाती है। पनवृत्त रूपांतरित होकर जो है फूल सकता है जैसे कि जलकुंभी में होता है। ये दोनों ओर पंख रूपी यानी जैसे संतरा या सामान्य पत्ती की भांति चपटा जैसे अस्थायी बबुल में होती है। यानी आप देख सकते हो
कि पत्तों की जो है बहुत तरह की किस्में जो होती है हमारे समक्ष प्रेजेंट हैं और उसके बारे में जानना जो है और भी रोचक रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा आप बगीचे में चले जाओ, अपने आसपास के क्षेत्रों में चले जाओ, आपको जो है पत्ते दिख जाते हैं, तो उनके बारे में आप जानिए कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। कहते हैं बहुत सी बातें जो है इनकी पत्तियों में भी छुपी हुई है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है पर्ण फलक यानी लेमिनस ऑफ लीव ब्लेडेड, यह पत्ती का हरा पतला चपटा तथा फैला हुआ भाग है जिसकी सतह पर अनेक सिरा यानी वेनस एवं सिरकाइवलेंट्स फैली रहती है। जो पर्ण फलक जो है ये काफ़ी के कहते हैं कि मध्यम में आधार से शीर्ष तक जाती है और कुछ एक प्रमुख की सिरा भी पाई जाती है जिसे हम जो है मध्य सिरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मिड रिब्स कहते हैं। ठीक है, सिराएं पत्ती का सहारा देती है तथा जल खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थ का जो है परिवहन करती है। ठीक है, पत्ती में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला तो है पर्ण फलक की आकृति, पर्ण शीश और पर्ण किनारा। यहाँ पर आप पत्तों की डायग्राम देख रहे होंगे दोस्तों, ये पत्ता जो है आम है जिसको आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी इसको रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारे ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक पत्ते में कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला टॉप होता है उसको पर्ण शीश कहते हैं, उसके बाद पर्ण सिरा कहते हैं और बीच वाले को मध्य सिरा कहते हैं, लेमिना कहते हैं और उसके पश्चात जो है पर्ण वृत्त पत्ती के आधार वाले पार्ट को कहते हैं। कक्षलय, कलिकाएं, अनुपम यानी सारे पार्ट जो होते हैं पौधों के पार्ट को कहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। अब दूसरा चित्र में आप देख सकते हो जिसमें पत्तियों की आकृति में विविधता दिखाई गई है कि पत्तियां जो है कितने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, कैसे कैसे पार्ट हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं जैसे इनके पत्तियां होती है ऐसे इंसान होते हैं। ठीक है, सब जो है अलग अलग टाइप, अलग अलग जो है रूप होते हैं, लेकिन सबका काम है जो है सर्वाइव करना। दूसरे भी जगह देख सकते हो आपको कि यहाँ पर भी पत्तियों की जो है डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट पत्तियाँ दी गई है जो आपके बगीचा या आपके घर के क्षेत्र के आसपास कहीं भी दिख सकता है, समझ सकते हो उसको लाके और उसकी जो विविधता के बारे में जो है अध्ययन भी कर सकते हो, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके पश्चात है हमारे समक्ष जो है पत्तियों में सिरा विन्यास यानी वेंटेशन इन द लीव्स। अब वेंटेशन क्या होती है, इसमें पत्तियों में सिरा निवास क्या होता है, विन्यास क्या होती है, वेंटेशन क्या होती है। कहते हैं पर्ण फलक पर सिरा होता है, सिरकाओं की जो व्यवस्था का सिर विन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है जलिकारूपी, जलिकारूपी जो होती है रेटिकुलेट कहते हैं उसको। सिरा विन्यास सिराएं जाल के रूप में फैली रहती है जैसे कि द्विबीजपत्रियों में पौधों में देखने को मिलता है कि ये जो होती है जाल की तरह फैली होती है, तो इसे हम द्विबीजपत्री में देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, और दूसरा जो है समांतर यानी सिराबंद सिराएं परंपर समांतर होती है जैसे हम एक बीजपत्री में देखते हैं, डाइकोट में देखते हैं, और जो है रेटिकुलेट जो है आप हमेशा जो है इसको जो है दूसरे वाले में द्विबीजपत्री यानी मोनोकोट्स में देख सकते हो, और जो पैरेलल्स होते हैं वो जो है एक बीजपत्री डाइकोट में इसको जो है बहुत आसान तरीके से देख सकते हो, जो कि काफ़ी इसको महत्वपूर्ण भी बनाता है। कहते हैं जलाकुरूपी एक समांतर सिरा विन्यास, एक सिरा यानी यूनिकोस्टेट हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही दृढ़ मध्य सिरा होती है जैसे पंख की भांति अनेक जो द्वितीयक सिराएं निकलती है, अंत पिछकार यानी पिनेट्स कहलाती है, और बहु सिराएं जिसमें से अधिक दृढ़ मुख्य सिराएं केंद्र में हथेली और उंगली जैसे निकलती हुई है, उसके दूसरे सिरा जो है चली जाती है यानी हस्तकला यानी फ्लेमेंट कहलाती है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि हम इसी की बात कर रहे थे जो कि लास्ट में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख रहे हो। देखिए सब जो है किसी न किसी जैसा लगता है, जैसे कि हम मेढक के जो है पैरों को देख रहे हैं, जैसे कि किसी जो है बैट के पैरों को देख रहे हैं, तो पत्तों में भी देखिए कितने वेरिएशन है और कितनी इसकी विविधताएं हैं जो शायद आपको यहीं पर पता लगेगा कि त्रिपाण सेंटर हर चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है पत्तों के प्रकार, फैन देयर नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ द लीव्स। व्हाट यू मीन टू टाइप्स ऑफ लीव्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स सिंपल एंड कंपाउंड। फ्रेंड हेयर देयर सिंपल लीव्स ऑफ कंपाउंड, द सिंपल एंड कंपाउंड सन द लीव्स वेयर टू द बोर्ड इज द एक्सिल, यू कैन रिकॉग्नाइज टू कंपेयर कंपाउंड लीव फ्रॉम द सिंपल वन बाय देयर लोकेटिंग देयर एक्सिलरी बर्ब। अ बर्ड इज द प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द बोथ ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इज एक्सिलरी ऑफ लीव फ्लैट। The difference between the two types of leaves are given table. First is the simple leaves, a second is a compound leaf. The first is a simple leaf is the it leaf has a single undivided part and lamina
अ सेकेंड कंपाउंड लीफ इज द लेमिना इज डिवाइडेड इनटू द मेनी सेगमेंट कॉल्ड टू द लीफ फ्लेट्स एंड सेकेंड इट इज डिवाइडेड द इनकॉन्सेंस डू नॉट इज टच इट्स अ मिड रिब्स एंड कंपाउंड लीफ इज द इनकॉन्सेंस टच ऑफ द मिड रिब्स and secondly is the types of compound leaf is the types of compound leaf is the pinnate and playmate there is a pinnate is the leaflets are attached to the midribs of the rachis and they are arranged to the laterally and the playmate is their leaflet is dated from the end of petaloids like a finger of a plume and second And the first second part is a leaflet on the midribs may be get a further divided form to compound leaf that is a unpremanent bipinnate and tripinnate and the discompound there is a permanent is the second is a depending upon the number of leaflet compound leaves and by floated and trifloated and quadrated floated and mainly floated so in this figure the Plementary compound leaves and its types. There are axillary pods also present and their leaves and the plementary compound leaves. There are different types of leaf is the plementary compound leaf and the types on here. And second is the pinnately compound leaves and its types. There are different types of leaf is present on that plant. दोस्तों हमारा अगला पाठ जो है पत्तियों के प्रकार देखिए पत्तियों के प्रकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान यहाँ पर रखता है ठीक है कहते पत्ती दो प्रकार की होती है एक सरल यानी सिंपल तथा एक होती है संयुक्त यानी कंपाउंड क्योंकि पत्तियों के कक्ष में जो है कलिकाएं होती है अंततः आप संयुक्त पत्तियों के सरल पत्तियों से विभिन्न कर सकते हैं इसकी जानकारी के लिए जो है आपको कक्षीय कलिकाएँ की स्थिति पता लगानी पड़ेगी कलिकाएँ दोनों सरल तथा संयुक्त पत्तियाँ के कक्ष में पाई जाती है परंतु संयुक्त पत्तियों की जो है वर्ण को यानी लीफलेट के कक्ष में नहीं है दोनों प्रकार की पत्तियों में अंतर जो है तालिका में दिखाने की कोशिश किया गया है तो आप देख भी सकते हो कि एक है हमारा सरल पत्ती दूसरा है संयुक्त पत्ती ठीक है इसमें जो बताया गया है कि पहले वाले में कि पत्तियों में पर्ण फलक यानी अवंछनीय यानी टायर्स होती अर्थात बटा हुआ नहीं होता है जबकि संयुक्त पत्ती में जो है पर्ण फलक अनेक छोटे इकाइयों में बटी हुई होती है जिन्हें हम पर्ण लीफलेट भी कहते हैं ठीक है दूसरे बात बताता है कि यदि फर्न प्लग के किनारे में कटाव होता है तो कटाव जो है मध्य सिरा तक जो नहीं होती है यानी मध्य सिरा तक ये नहीं होती है ऊपर ऊपर ही होती है जबकि संयुक्त में ये बात बताई जाती है कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाती है जो कि इसको एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डालती है दूसरा जो है हमारे समक्ष जो है संयुक्त पत्ते के प्रकार देखिए अब संयुक्त पत्ते जो पत्तियाँ हैं उनके भी अब प्रकार बन गए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है इसको जो हम पिचकार या हस्तकार कहते हैं पहला जो का पिचकार कहलाएगा दूसरा जो का हस्तकार कहलाएगा तो पहले वाला में जो है मन के मध्य सिरात्मक रेक्युलस जुड़ी होती है तथा पार्श्व रूप से ये व्यवस्थित रहते हैं सदैव ठीक है पर्ण वर्ण इसके अध सिरे के जुड़े रहते हैं तथा हथेली जैसे निकली उंगलियों की भांति प्रतीत होते हैं ये हस्तकला का नाम भी हस्तकला और इसका जो है डायग्राम भी हस्तकला जैसा ही होता है जैसे हम चित्र में भी अभी देखेंगे ठीक है पर्ण तथा मध्य सिरा फिर से विभाजित होकर जो है एक पिचकी यानी मिनी पेनिनेट्स द्री पिचकी बाइपेनोनेट एंड थ्री पिन ट्रिपलेट नेट्स तथा विभाजित पत्ती बनाती है जबकि दूसरा हस्तकला में जो है वर्ण की संख्या पर आधारित जो है द्विपर्णित त्रिपंथी चतुर्पंथी तथा बहुपंथी प्रकार की संयुक्त पत्तियां करती है इसमें जो है बाई फ्लैटेड ट्राई फ्लैटेड एंड क्वाड्रेटर फ्लैटेड एंड मल्टी फ्लैटेड प्रेजेंट होती है जैसे कि आप चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हो हस्तकला में देख सकते हो कि ये हाथों की उंगलियों के जैसे आकृति दिखाई दे रही है सभी के सभी जो है हस्तकला यानी हाथों की उंगली की तरह दिखाई देती है और इसमें त्रिपर्णी यानी बहुपर्णी सब नज़र आते हैं जबकि यहाँ पर दूसरे डायग्राम आप देखोगे पिचकार संयुक्त पंक्तियों के आकार में देखोगे जिसमें संयुक्त है कई जो है साथ में जुड़े हुए पत्तियाँ आपको नजर आएगा जिसमें त्रिबीजपत्री और जो है युक्त हो सकती है तो यही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है क्योंकि ये पत्तियाँ हैं देखिए पत्तियाँ को अपना एक विशेष रगड़ी होती है अपना एक विशिष्ट कार्य होता है अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोनोटैक्स What do you mean to phloronotex? It is the arranging of the leaves on the stem or branches. The orientations and arrangement of leaf is such that there is get a appropriate amount of sunlight for a photosynthesis. It is of three types, alternate, opposite. The first is alternate. This is a single leaves arise at each cord. Nodes and the China rose and the mango is the example. Second is opposite. Is the leaves occur the pair at the each nodes. This arrangements may be there is a two types decussate
When there is a pair of leaves at the upper and lower notes are the right angles. Is example tulsi. Clotor peace means tulsi. A second is as a proposite. When the successive leaves pairs at the upper and lower nodes are the set in the same plant of guava. The example of guava. Friend, here's the third point is about red. There is a when there are more than two leaves at the each nodes and arranged in the circle and whorl nucleus. Here so in this picture is a flower text. There is the first is the opposite discarded and second is a opposite superposite and the word is underlined there is present. The next topic is modification of leaf. Friend, what do you mean to modification of leaf? The thought that a function of leaves is to synthesize food. In the some case, they get a modified into the distorted structure to perform a special functions like a support and protection. To be a plant and storage of food and water or the catch insect as the case of insectivorous plant. And so in this table, here modification of leaf, there is a first is type, second is a character, and third is example. The leaves is a tendrils, is a type. There is a here leaves are leaflet, get modified to form a thing, wireless, closely coiled and sensitive structure called to the tendrils that is a help to the plant to the claim of support. Example, pea, galleries, lilies. And second is a piney. Spiny is there the leaves and modified into a sharp and pointed structure which protect the plant and help to the reducing or transpirations. The example is third is a prickly poppy and the genus Pinnatius allowed. The third is important. Floret is the third and the petrites compound leaves is a common flattened leaves like a help in the photosynthesis. The leaflet is gradually is disappear. The third point is the Australian's acacias is the example. And fourth is a leaf of the Instructovarius plant. It means it is a pitcher plant. There is all leaves get modified into the pitcher. Well, there is a blooded worried and some segment is leaves get modified into the bladders. And they help with the trapping of insect. So example, pitcher plant is a nephrothels and bladder vault is a Euryclerius plant. Here showing this picture, the clear modifier of leaf of tendrils, spines, picture plant, a bladder wall. There is a different types of plant on present or over environment. The heterophyllous is a heterose is a different. Some plants show the more than one types of leaves. In the same plant, this is a phenomenon is called heterophyll. There is a, what is the heterophylls? There is a more than one types of leaf. Some plants show the more than one types of leaves in the same plant. Is phenomenon called to the heterophyll. It is found in some plants which is a reminder partly submerged in the water. The water settle nut and the lipophilia is example of this plant. इसमें जैसे कि दोस्तों आपको पता ही कि पर्ण विन्यास क्या होती है. पर्ण विन्यास जो होती है फेलोटॉक्सिस कहते हैं. फेलोटॉक्सिस जो होती है पर्ण विन्यास कहलाता है. तो पर्ण विन्यास का मतलब समझ ही गए होंगे. इसमें कहा जाता है इसका अर्थ यही होता है कि तना या शाखा पर पत्तियों के लगने की व्यवस्था को जो है पर्ण विन्यास कहते हैं. देखिए तना या शाखा पर पत्तियों के लगने यानी पत्ती जो अरेंजमेंट पत्तियों का होता है किसी भी पेड़ में ठीक है किसी भी पौधा में तो उसी को ही हम पर्ण विन्यास कहते हैं यानी फेलोटेसिस कहते हैं. तो ये आप तो समझ में आ ही गया अगर फेलोटॉक्सिस का क्या अर्थ हुआ क्या मतलब हुआ. तो याद रखना कि तना या शाखा यानी जो इसके जो होते हैं ब्रांचेस पे जो लगाए जो लगे होते हैं जो लगने का जो अरेंजमेंट तरीका होता है उसी को जो है हम यहाँ पर पर्ण विन्यास या फेलोटॉक्सिस कहते हैं. पत्तियों की व्यवस्था क्रम इस प्रकार होती है ताकि उन्हें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रकाश मिल सके. यह तीन तरह की करती है. आपको पता है कि मेन जो कार्य होता है पौधों में पत्तियों का वो होता है उनके लिए भोजन बनाने का. तो उसी तरह से उसके अरेंजमेंट करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और कुदरत ने उसको ऐसे अरेंजमेंट किया है कि जो है प्रकाश जो है पूरी जो है पत्तियों पर पड़े और उससे जो है वो भोजन बनाने में सक्षम हो जाए. तो इसमें सबसे पहले तो आता है एकांतरण जिसका अर्थ इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट. एकांतरण का दोस्तों मतलब होता है अल्टरनेट आपके इंग्लिश में. कहते हैं प्रत्येक सर्वसंधि पर केवल एक ही पत्ती जुड़ी होती है. याद रखना इसमें एक ही पत्ती इसमें जुड़ी होती है
एग्जाम्पल गुड़हल हो गया, आम, आम में देखोगे सिर्फ एक पत्ती जुड़ी रहती है, इसमें कई शाखाओं में नहीं जुड़ी होती है, एक ही पत्ती जुड़ी हुई होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात है सम्मुख यानी ऑपोजिट, इसका प्रत्येक प्रसंधि दो पत्तियों से जुड़ने के सामान्य पाई जाती है, दो प्रकार की होती है, एक क्रांसित यानी डिस्कॉसेटेड, जब ऊपर तथा नीचे की सर्वसंधि जुड़ी पत्तियों से जोड़कर दूसरे के साथ समकोण बनाती है, उदाहरण तुलसी के पौधे आप देख सकते हो, या कलो पोटिस की जो है पौधे वो देख सकते हो आपके समक्ष। उसका आधार रोपित होती है यानी सप्रोपोस्ट, जब ऊपर से नीचे की प्रसंधि पर जुड़ी पत्तियों के जोड़े ठीक एक दूसरे के ऊपर एक ही तल में पाए जाते हैं, जैसे अमरूद का आपने देखा होगा, तो अमरूद का जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरी बात जो है चक्रीय यानी वॉल्डर लेड, जब प्रत्येक जो है सर्वसंधि पर दो से अधिक पत्तियाँ वित्तीय चक्र में व्यवस्थित रहती है, उदाहरण जो है नेरियोलम, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पर जो है डिफरेंट दिखाया गया है, तो कहीं जो है आपको दिखाया गया तुलसी के पत्ते भी दिखाए गए हैं जो कि इसको एक विशिष्ट बनाता है, यानी पत्तियों की जो है अरेंजमेंट होने की क्षमता जो है आपको यहाँ दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर अरेंजमेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पर्ण रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन कैसे होती है पर्ण रूपांतरण, तो कहते हैं दावी पत्ती का जो है मुख्य कार्य भोजन संश्लेषण करना है, तो आपको भी पता है कुछ पादपों में पत्ती विशिष्ट संरचना के रूपांतरित होकर इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य जैसे पादप के आधार पर सुरक्षा देना भी होता है। देखिए जब तक कोई जीव से अगर पौधों की बचाव नहीं होगी तो उसके लिए कुदरत ने कुछ बातें जरूर दे रखा होता है। दूसरी बात होती है जल तथा भोजन संग्रह करना तथा कीट भक्षी पदार्थों में कीट पकड़ने में मदद करना, कई जो प्लांट होते हैं वो जो है अपना आश्रय जो है कीटों को पकड़ के यानी कीटों को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे पिचर प्लांट होती है वो ऐसा ही करती है। तो सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना जो है रूल रेगुलेशन है, तो यही बात यहाँ पर बताया गया, पहला जो है प्रकार, दूसरा है लक्षण, तीसरा है उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर जो है पर्ण प्रत्यान यानी लीफ टेंट्रिकल्स का जो है प्रकार एक तरह का है, और इसका लक्षण क्या होगा, पतली होती है ये, तंतुनुमा होती है, कुंडलित होती है, संवेदनशील होती है, संरचना जिसे हम प्रत्यान कहा जाता है, और जो पौधों के जो है रोह में मदद भी करती है। और उदाहरण जो है आपको पता ही है, मटर है, ग्लोरी लिली हो सकती है, तो मटर के पौधा तो आपको बेशक ग्लोरी लिली ना मिले बट मटर के पौधा जो है आपके जो है बगीचे में कहीं भी आपको मिल जाएगा या खेतों में आपको देखने को मिल जाएगा, या आप खुद भी जो है ग्रोथ करवा सकते हो गमले उमले में, तो देखने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। दूसरा है पर्णशूल यानी लीफ स्पाइन, देखिए पत्ती तथा उसका अंश तेज नुकीले जैसी हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि पादप की रक्षा तथा वसुजन दर कम हो सके। ये पौधा मैक्सिमम राजस्थान के साइड ही मिलती है जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें जो है अत्यानाशी और जिम्योन एपरनीसिया जैसे उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारा प्रणव यानी फ्लोय नोट्स, ये संयुक्त वर्ण या पर्णवृत्त चपटा पत्ती नुमा संरचना में रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पर्णक धीरे धीरे जो है झड़ जाते हैं, ये जो है धीरे धीरे झड़ जाता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रेलियाई एकोशिया जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट है कीट भक्षी पादपों की रूपांतरित पत्तियाँ। अब देखिए कीट भक्षी जो है जो कीटों को खा जाते हैं, ठीक है, पर्णपाती पादप जो है पिचर प्लांट में पूरी तरह जो है पत्ती घरी में रूपांतरित हो जाती है, इसको जो हम घटपर्णी पादप कहते हैं, यानी पिचर प्लांट को जो हिंदी में क्या कहते हैं, घटपर्णी पादप, पिचर प्लांट यानी घटपर्णी, तो इसमें पूरी तरह से जो है पत्तियां घरा में रूपांतरित हो जाती है, यानी घरे की तरह बनी होती है, ठीक है, जबकि ब्लैडर डबल में कुछ कुंडित यानी पत्ती थैली यानी ब्लैडर जैसी संरचनाओं में भी परिवर्तित हो जाती है, तो ये संरचना कीटों को फंसाने में काफ़ी मदद करती है और इससे जो है वो अपना न्यूट्रिशन भी ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर तो वही आ गया आपका घटपर्णी पादप या नेफ थिनियस एनब्ले रबर यानी यूक्रोक्रोरिया, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, जब चित्र में भी आपके समक्ष प्रस्तुत है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पत्ते दिए हैं, देख सकते हो कि घटपर्णी जो है यानी पिचर प्लांट जो है बिल्कुल घरे के समान है, और जैसा ब्लेड रबर जो है वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक ब्लेड जैसी बनी हुई है, तो ये जो है अपने जो है जो भोजन करने के लिए जो है कुदरत ने इनको ऐसा बनाया है। उसके पश्चात वह विषम पर्णियन हेट्रोफिलिस, कुछ पौधों में एक से अधिक प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, इस स्थिति को जो है विषम पर्णता कहते हैं, ये कुछ जलीय पौधों में जो आंशिक रूप से जो है जल निगम जलों में डूबा हुआ होता रहता है, जैसे कि जो है सिंघाड़ा लिमनोफिलिया, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है, इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इसको एक विषम बनाता है यानी हेट्रोफिलिया को। फिर अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लीफ,
What do you mean to the function of leaf? Leaf are perform a following function on the. Therefore, first is a photosynthesis. The leaves are manufacture food in the presence of sunlight. Is an important work for the function of leaf. The exchange of gases means stomata help to exchange of gas, which are important for respiration and photosynthesis. And third is a transpirations. Transpiration means evaporations of excess of water in the vapor from a take place through the stomata, which help in the ascent of the sap and the cooling of leaf surface. The cooling of leaf surface. And fourth is a guttations. Guttation is a excretions of excess of water containing salt take place in the liquid form from the leaf meristem in the plant growing in the humidity climate. And fifth is modification for a special function. Modification of a special function in a container plant leaves perform a functioning like a manufacturing and a storing food, providing to support and protection, vegetative progressions and trapping insect. दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो बात रखती है वो है पत्तियों के प्रकार, यानी पत्तियों के क्या फंक्शन है, क्या इसका जो है कार्य है, पत्तियां जो है पौधों में किस प्रकार से कार्य करता है। ये कई एग्जाम में जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। आपको इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो ये टॉपिक है पत्तों के प्रकार, ये आ ही जाएगा, ये 100% विश्वास है। ठीक है, तो पत्तों के प्रकार के लिए एक क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। तो ध्यान से सुनिए कि पत्ते के जो है कार्य क्या होता है, कैसे संपन्न करती है अपना कार्य। तो सबसे पहले जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती भोजन का संश्लेषण करती है। ये तो आपको पता ही है कि प्रकाश जो है संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती जो है भोजन संश्लेषण करती है। दूसरा जो इसका कार्य है गैस विनियम यानी एक्सचेंज ऑफ गैस। तो गैस विनियम में क्या होता है, इसमें विभिन्न रंध्रों द्वारा जो है गैस विनियम होती है जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर गैस जो होगा एक्सचेंज नहीं होगा, गैस विनियम नहीं होगा, तो ये अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं रह सकता। उसके पश्चात है वर्षोत्सर्जन। देखिए ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्तियों में। कहते हैं जो स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा जो है अतिरिक्त जल का वर्षोत्सर्जन वाष्प के रूप में होती है जो पत्तियों को सतह को ठंडा देता है तथा जो है रसारोहण यानी सेंट ऑफ सैप में मदद भी करता है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट बात बताती है। कहते हैं उसके पास है बिंदु स्वत्र यानी ग्यूटेशंस। ठीक है, लेकिन ग्यूटेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्षोत्सर्जन जो होती है अगर पौधों में अधिक हो जाए तो पौधा जो होता है सूख जाता है। इसलिए स्टोमेटा जो होती है, स्टोमेटा भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, जब भोजन बनाया हो जाता है पौधों को तो स्टोमेटा जो है बंद हो जाती है, जब उसको बनाना होता है भोजन तो खुल जाती है। तो स्टोमेटा जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है पौधों में वर्षोत्सर्जन को रक्षा के लिए। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पत्तियों में, तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट रखता है। उसके पास है हमारा बिंदु स्वात्र यानी ग्यूटेशंस। ग्यूटेशन जो होती है नम जलवायु में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियों के किनारे से अतिरिक्त लवणीय जल की बूंदों के रूप में रिसाव यानी क्रेडिट्स होती है, यानी ये बूंदों के रूप में जो है रिसाव करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं विशेष कार्य के लिए रूपांतरित भी हो जाती है, जैसे कुछ पादपों में पत्तियां जो है रूपांतरित होकर अन्य कार्य करती है, जैसे भोजन संश्लेषण तथा संग्रह, आधार में सुरक्षा कार्य का प्रबंध, प्रोग्रेशन तथा कीटों को फंसाना। तो आपको पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो है पत्तियों का होता है, तो ये एग्ज़ाम के लिए भी और कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आपको तो पता ही है कि त्रिपाण से सेंटर चाहता क्या है, सिर्फ यही चाहता है कि हर एक बच्चे तक जो है ये बातें पहुँचे और इसकी इन्फॉर्मेशन जाए। मुझे दोस्तों यही सिर्फ रहता है इच्छा कि हर एक बच्चा जो है सही ज्ञान के साथ आगे बढ़े, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो दुनिया में है बहुत चीज़ें हमें मिला है, बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है वही आपके लिए बेस्ट कहलाता है। ठीक है, कहते हैं कभी दूसरे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी मन की। तो जहाँ से आपको अच्छा है वही कीजिए। त्रिपाण से सेंटर हमेशा आपको यही चाहता है कि आप अच्छे से अच्छे करें और जो है आगे बढ़ें, और माता पिता का जो है सदैव ध्यान रखें, और उनका जो है एक आदर्श मैं जीवन जीने में और अपना जीवन आदर्श में बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे। कहते हैं कि
शुरुआत तो होती है आदर्श में बनने का बचपन से शुरू हो जाती है, जहाँ पर बच्चों को अच्छे से अच्छे बनना चाहिए और जो है अच्छा करना चाहिए। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पाठ में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।